अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अर्निंग एंड लर्निंग। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बहुत मजे का एक जुगाड़ बताने वाला हूं कि आप लोगों को ना काम करना पड़ेगा ना आप लोगों को कोई स्किल सीखना पड़ेगा। जो तरतीब जो तरीका मैं आप लोगों को समझाऊंगा, स्टूडेंट्स तो इस चीज़ को लाजमी देखें, लाजमी फॉलो करें, ठीक हो गया दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में बड़े मजे की चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने के लिए जा रहा हूँ। इसके दो फायदे होने वाले हैं, एक तो अर्निंग का फायदा होने वाला है और दूसरा इस चीज़ को अगर आप पर्सनल यूज करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, तो फिर भी आप लोगों को इंशाल्लाह यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो बात स्टार्ट करते हैं कि जी करना क्या है। फाइवर पे बगैर थंबनेल पे जी हमने देखा, बगैर किसी स्किल के बगैर काम किए $10 कमाएं, कैसे कमाएं? बिल्कुल 10 भी नहीं, 10 से भी ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन बात को समझना है आप लोगों ने, थोड़ा लॉजिकली समझना है। अब काम क्या है? काम है जानू वेबसाइट का या यूट्यूब की SEO का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हमें तो आती नहीं है, ठीक है, मुझे भी पता है भाईजान, अगर नहीं आती तो टेंशन ना लें, ना काम आपने करना है, ना SEO आपने करनी है, ना वेबसाइट की SEO करनी है, ना यूट्यूब की SEO करनी है आपने। आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, काम कैसे करना है, वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, सारा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर समझा दूंगा, लेकिन इसकी थोड़ी सी ना ब्रीफिंग सुन लें मेरे से कि दोस्तों मार्केट के अंदर इस टाइम सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड चल रहा है वो वेबसाइट का चल रहा है और यूट्यूब का चल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन पैसे कमाने के हिसाब से अगर बात की जाए। तो वेबसाइट रैंक करवाने के लिए हमेशा हर बंदे को SEO की ज़रूरत है, YouTube चैनल ग्रो करवाने के लिए हमेशा हर बंदे को SEO की ज़रूरत है। अब इसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है जिसको बैक लिंक्स कहा जाता है, बैक लिंक्स जनरेशन कहा जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी YouTube चैनल के ऊपर एक ठीक ठाक अमाउंट के अंदर ट्रैफिक आ जाती है, ठीक है। इससे आपका चैनल भी ग्रो हो जाता है, इससे आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी जनरेट हो जाती है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो लोगों को ये पेड सर्विसेज हैं, ठीक है, पेड सर्विसेज देते हैं। अब आप लोग सोचोगे जी कि हमारा क्या रोल है इसके अंदर। दोस्तों अगर बात की जाए फाइवर के हवाले से, तो फाइवर के ऊपर अगर हम जाके देखें तो बड़ी ही महंगी महंगी गिग्स लगी हुई हैं। यकीन करें कि 10,000-20,000 अगर 90 बैक लिंक्स जनरेट करने हैं तो एक बंदे के मैंने देखे हैं 33,000 पे भी वो करके दे रहा है, और उसके ऑर्डर्स क्यों में लगे पड़े हैं, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि यार फाइवर के ऊपर तो गिग बनानी पड़ती है, गिग रैंक करनी पड़ती है, SEO करनी पड़ती है। वो प्रॉपर तरीका मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ कि आप लोगों ने कैसे फाइवर पे गिग बना के रैंक करनी है। नहीं देखी हुई आई बटन में दे रहा हूँ, देख लें वीडियो, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने बनानी है जी वेबसाइट और या YouTube चैनल, बल्कि दोनों बना लें, ठीक है, दोनों गिग्स बना लें, वेबसाइट की भी और YouTube चैनल की भी बैक लिंक्स जनरेशन के हिसाब से ना गिग बना लें। इसमें कंपटीशन बहुत कम है, वो भी आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। अब जी आप सोचोगे जी कि हमने गिग बना ली, हमारे पास ऑर्डर आ गया, अब क्या करें? बता रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत महंगी महंगी गिग्स बनी हुई हैं, थोड़ा सा उनसे रेट कम करके हम अपनी एक अच्छी सी गिग बना देते हैं। जब गिग बना दी, ऑर्डर आ गया, अब क्या करेंगे? अब मैं आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने के लिए जा रहा हूँ कि जहाँ से आपको सारे बैक लिंक, सारा SEO का माल मुद्दा, जितना भी आपको चाहिए होगा वो बहुत ही लो कॉस्ट में मिल जाएगा। आपने सिंपली जो आपको ऑर्डर आता है, सेम वही ऑर्डर उठा के उसी वेबसाइट के ऊपर कॉपी कर दें, वो आपको जनरेट करके देगा, उठा के कस्टमर को वापस करें, अपना मार्जिन रखें साइड पे। तो $10 क्या, इसमें आप $50 भी निकाल सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी इसके ऊपर गिग के ऊपर मेहनत कर लेते हैं, ठीक है। गिग पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है मेरी जान, क्योंकि जब आप किसी भी मार्केट में जाते हैं ना, एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि आप फॉर एग्जांपल पिंडी सराफा बाजार में जाते हैं, ज्वेलर्स के मार्केट के अंदर जाते हैं, तो जाते साथ ही आप चढ़ नहीं जाते, आपको अपनी दुकान पर मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, मार्केट में नाम बनाना पड़ता है। तो या अपनी दुकान सबके सबसे सामने, वो कहते हैं ना फ्रंट वाली दुकान लेनी पड़ती है, ठीक है। तो फ्रंट वाली दुकान लेने के लिए फाइवर के ऊपर SEO मैटर करती है। SEO कैसे करनी है कंप्लीट समझाया हुआ है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अपनी अच्छी सी गिग बनाएं, इसमें कंपटीशन बहुत लो है। काम कैसे करना है, आपने बैक लिंक्स कैसे जनरेट करवा के कस्टमर को देने हैं, अपना मार्जिन कैसे रखना है, तमाम तफसील आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर समझाता हूँ। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ये काम हमने कैसे निकालना है। तो हम हैं इस वक्त लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ सर्च किया है, बैकलिंक्स 90DA, ठीक है, ये मैंने सर्च किया। इसमें देखें जी कि सर्विसेज अवेलेबल्स पहले हम देख लेते हैं, तो बहुत ही लो कंपटीशन है इसके अंदर, समझ आ गई दोस्तों कि इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो है। कोई और गिग आप अगर निकाल के देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अब कंपटीशन लो और हाई का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप लोग देख लें। यहाँ पर आके अगर हम कहते हैं कि
इमेज एडिटिंग, इमेज एडिटिंग ठीक है, इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कितनी ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं, और यहाँ पे आके आप लोग देखें तो यहाँ पे बहुत कम सर्विसेज अवेलेबल हैं। ओके हो गया, चलो ये बात हो गई। अब आके यहाँ पे जरा जी इनका रेट देखें, 5000 समथिंग 90 गूगल न्यू ब्लॉग फॉलो बैक लिंक्स, 5000 समथिंग, ये 3000 वाले हैं, 4000 वाले हैं। उसके बाद अगर नीचे आते जाएं तो जी नहीं, यहाँ पे ये 850 में दे रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे दे रहा है। ठीक है, 90 गेस्ट पोस्टिंग है, अच्छा यहाँ पे सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली। अब यहाँ पे आते हैं जी कि हमने इन इस तरह की एक गिग बनानी है। इसको थोड़ा सा जाहिर सी बात है, जब आप बनाएंगे इसको एक बार थॉरली स्टडी करेंगे, आप जाके इनकी गिग ओपन करेंगे, क्योंकि जो तरीका मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है उसके अंदर मैंने ये सारी बातें बताई हैं कि आपने किस तरीके से जाके गिग को फॉलो करना है, पहले वाली जो टॉप गिग्स हैं उनको कैसे जाके आप लोगों ने उठाना है, ये इनकी डिस्क्रिप्शंस कैसे देखनी है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है आप लोग देख सकते हैं। और आई थिंक ये हमारे जो भाई हैं ये भी पाकिस्तानी ही लग रहे हैं, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब आप लोगों ने गिग बना ली, ठीक है, SEO भी कर ली जैसे मैंने समझाया हुआ है। अब हमने ये सर्विस प्रोवाइड कैसे करनी है, यहाँ पे एक वेबसाइट आप लोगों को दे रहा हूँ, seoclerks.com, ठीक है, seoclerks.com। यहाँ पे आके मैंने इसके सर्च में लिखा बैकलिंक्स, बैकलिंक्स लिखने के बाद यहाँ पे आके इसकी प्राइस रेंज है, ठीक है, प्राइस रेंज आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस रेंज मैंने रखी जी, अल्लाह भला करे, $15, $15 रखे, इसको मैंने किया सर्च। तो ये देखें जी कि ये आपको कितने में निकाल के देगा, $15, $5, $5, $5, $10। यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों को आपके, ये देखें जी, ये आपको 20 बैकलिंक्स दे रहा है $1 में। तो खुद आप लोग अंदाजा लगाएं कि आपको 100 बैकलिंक्स $5 में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आराम से इनको ऑर्डर करके, यहाँ पे ये ज्वाइन है, यहाँ पे बायर के हवाले से आप इसको ज्वाइन करके यहाँ पे आप इनको ऑर्डर करें, और ये आप $5 से $6 के अंदर अपनी सारी सर्विस जो आपको चाहिए वो आप मंगवा सकते हैं। मंगवाने के बाद यहाँ पे जो आपका भी जो भी क्लाइंट होगा उसको आपने प्रोवाइड कर देना है, ना आपने खुद करनी है, ना आपने किसी को कहना है, ना आपने किसी के पीछे दौड़ना है। यहाँ से ऑर्डर पकड़ना है, वहाँ पेस्ट कर देना है, जब वहाँ से आपको आउटपुट आ जाएगी उठा के कस्टमर को वापस कर दे, दैट्स इट। ठीक हो गया दोस्तों, तो बात यही है कि लाजमी नहीं है कि काम आना चाहिए, SEO आपको आनी चाहिए, लाजमी ये है कि आपका थोड़ा सा दिमाग शार्पली काम करना चाहिए। ठीक है, जब आप थोड़ा सा इसको शार्पली मतलब कि स्मार्ट तरीके से लेके चलते हैं तो लाजमी नहीं है कि आपको भाईजन पहले काम सीखना चाहिए, आप स्मार्ट तरीके से भी पैसा निकाल सकते हैं फाइवर से। ठीक है, बगैर ही किसी को मतलब के ऑर्डर के ऊपर काम किए। ठीक है यार, इतना सा तो काम हम कर ही सकते हैं ना, एक स्टूडेंट बंदा इतना सा तो काम कर ही सकते हैं यार कि गिग बना के छोड़ दे। ठीक है, जब ऑर्डर आए उसके बाद ऑर्डर उठा के आगे दे दे, जब वहां से कंप्लीट हो उठा के वापस दे दे। अब इतने से काम में अगर आपको $10 बच रहे हैं और ये काम आपको बड़ा लग रहा है, मुसीबत लग रहा है, तो मेरी जान अब घर बैठे मुंह में निवाला तो आपको कोई भी नहीं ला के देता। ठीक है, इतना सा तो काम, अब इतना सा तो पेन आपको अपने लिए लेना ही पड़ेगा। ओके ओके मेरी जान, तो इंशाल्लाह मैं होप्स हो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, स्पेशली स्टूडेंट्स मेरी जान मेरी बात सुने, अपने स्टूडेंट लाइफ में ही कमाना स्टार्ट करें, और फाइवर जो है ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आने वाली वीडियो भी आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है मेरी जान, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।